ये देखिए, तो आप देखेंगे ये देखिए दूध खौलने लगा। ये दूध आपका क्या हो रहा, देखिए खौल रहा है। क्या डाला देखिए, दूध इतना तेज़ी से यहाँ नीचे गिर रहा, देख सकते हैं ये नीचे। हाय दोस्तों, नमस्ते, मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम एक साइंस का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जो कि यूट्यूब पर बहुत ही चल रहा है, चमत्कार दिखाया जा रहा है। ये दूध है, इस दूध को हम देखिए पी कर भी दिखाते हैं, आपको लगेगा दूध नहीं है। तो ये दूध है, इसको आप आराम से देख सकते हैं, दूध है। और क्या किया जा रहा है, इंटरनेट पर ऐसे एक प्रथा है, कराहा प्रथा जो बनारस में है, इस दूध को ऐसे उबाला जा रहा है। कोई क्या कर रहा है, यहाँ नीचे बर्फ रख दे रहा है और बर्फ़ पे ऐसे दूध डाल कर रखा जा रहा है और दूध उबल रहा है। तो इसके पीछे का जो साइंस है उसको आज हम बताएँगे और प्रयोग करके भी बताएँगे ऐसा क्यों हो रहा है। और हमारे देश में अंधविश्वास बहुत फैलाया जा रहा है, और अंधविश्वास नहीं है, वो सब साइंस है। साइंस का उपयोग करके अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, उसी का आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। तो अभी हम आपको पी करके दूध दिखाए, ये दूध है। ये दूध जब गर्म रहता है उसमें क्या रहता है, आप कराहा प्रथा में एक बड़ा सा सिस्टम रहता है, उसमें कंडी लगा करके वीडियो में आप बगल देख सकते हैं, उसमें क्या है, आग पर रख करके और दूध गर्म किया जाता है। दूध गर्म करने के बाद उसमें क्या किया जाता है कि हम ऐसे ऐसे करके, कि हमारे पास देवी जी की कृपा है, ऐसे ऐसे करके बताया जाता है कि दूध ऊपर उठ रहा है। तो उसमें केमिकल डाला जाता है, और केमिकल क्या है उसको हम आखिरी में बताएंगे, पहले एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। देखिए इसमें हमने केमिकल डाला, देखिए ऐसे हाथ में हमने रखा है छोटा सा, इसमें हमने डाल दिया। देखिए तो आप देखेंगे ये देखिए दूध खौलने लगा। ये दूध आपका क्या हो रहा, देखिए खौल रहा है। ये दूध क्या हो रहा है, खौल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये दूध क्या हो रहा है अभी, और क्या होता है, जो गर्म दूध रहता है, ये तो ठंडा दूध है, ये ठंडा दूध है, देखिए खौल रहा है। लेकिन गर्म दूध रहता है तो नीचे बर्फ़ लगा दिया जाता है, और बर्फ़ लगाने से वो क्रिया तेज होती है। तो ये प्रयोग जो है, यदि नीचे बर्फ़ होता तो और अच्छा होता, देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट हो रहा। देखिए ये देखिए दूध खौल रहा है, आराम से आप देख सकते हैं दूध पूरा खौल रहा है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है कि ये दूध बिना किसी के कारण से खौल रहा है। तो ये इस तरह से अंधविश्वास फैलाया जाता है, और इसमें रिएक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है, और उस क्रिया को भी बताएँगे और कैसे हमने क्या डाला। देखिए दूध इतना तेज़ी से यहाँ नीचे गिर रहा, देख सकते हैं ये नीचे जो है ये दूध गिर रहा है, और इस तरह से ये दूध उबल रहा है। लेकिन ये दूध यदि गर्म रहता, हम ठंडे दूध का यूज किए हैं, और ये दूध गर्म होता तो ये क्रिया धीरे धीरे होती। तो इसलिए इस क्रिया को तेज करने के लिए लोग नीचे क्या करते हैं, बर्फ़ लगा देते हैं, जिससे दूध गर्म रहता, जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना तेज़ रिएक्शन होने लगता है, उतना तेज़ क्रिया होने लगता है। तो ये जो है ठंडे दूध के साथ हमने एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, और गर्म दूध के साथ भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, लेकिन हम आपको पूरी बात बता दे रहे हैं, देख सकते हैं ये जो है ऐसे हो रहा है। तो इस तरह से ये गैस बन रहा है, और इस बहुत सरल है, ऐसा केमिकल इसमें डाला गया है जो कि आपके आसपास मिलता है, कोई ऐसा केमिकल नहीं डाला गया है, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है, चालाकी से इस काम को लोग करते हैं, और लोगों को लगता है कि ये कोई चमत्कार हो रहा है, कोई जादूगरी है, कोई शक्ति है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। और इस अंधविश्वास के कारण से लोगों का समय, पैसा, धन बहुत नुकसान होता रहता है। आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, इसके द्वारा हज़ारों लीटर दूध को ऐसे खिलवाड़ करके फेंक दिया जाता है, और लोगों का समय भी बर्बाद किया जाता है। तो इस तरह का चमत्कार से आप बचिए, और इसके पीछे कारण क्या है हम आपको बताते भी रहते। देखिए ऐसे बहुत देर तक बह रहा, देख सकते हैं ये क्रिया बहुत देर तक हो रहा। छोटा सा हमने इसमें पत्थर डाला है, और पत्थर क्या है, एक कैल्शियम कार्बाइड, जिससे जो है वो पकता है। आपको लोगों को पता है जो केला पकता है या आम पकाने का जो डाला जाता है, ये कैल्शियम कार्बाइड होता है, इसका सूत्र है कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इसका सूत्र है CaC2।
ये जो है नमी पा करके देखिए हाथ में, जब हाथ में रखेंगे तो गर्म, यदि हाथ में पानी लगा, देखिए हमारे हाथ में पानी लगा तो गर्म हो जा रहा। तो लोग छुप करके क्या करते हैं, जो धर्म के नाम पर लोग ठगते हैं, इसको छुप करके ऐसे इसमें डाल देते हैं, और जब डाल देते हैं तो ये बनाता है एसीटिलीन गैस, C2H2 एसीटिलीन गैस बनाता है, जो कि माचिस मारोगे जल भी जाएगा, यदि यहाँ ऊपर हम माचिस मारते हैं तो ये जलने भी लगेगा। तो जो है ये माचिस मार के इसको जलाया भी जा सकता है, क्योंकि ये, और देखिए हाथ में हमारे लग गया तो गर्म भी कर रहा है। जिस तरह से चूने का पत्थर होता है, ये भी कैल्शियम का है लेकिन इसका सूत्र अलग है। ये क्या है, कैल्शियम का ये भी पत्थर है लेकिन इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड कहा जाता है, और या कहा जाता है केला पकाने वाला पत्थर भी कहते हैं, तो आम पकाने वाला पत्थर, तो कारपेट भी कहते हैं देहात में, तो कारपेट के नाम से भी जाना जाता है। तो यही रिएक्शन, इसमें गैस बनता है। गैस कैसे क्या होता, जो वो होता है जैसे दूध होता है, और दूध में क्या होता है, दूध के ऊपर जो है सो फैट भी होती, चर्बी होती, तेल होता है। नीचे से जब गैस बनता है तो दूध की जो मलाई होती है वो ऊपर गैस निकलने नहीं देता है, इसलिए जो है पूरा लगता है दूध खौल रहा है। तो इसके पीछे साइंस है, कोई मैजिक नहीं है, लेकिन अंधविश्वास के कारण से इस देश में अंधविश्वास लगातार फैलाया जा रहा है। तो आज हमने अंधविश्वास का खुलासा किया है, आप इस तरह सावधान हो जाइए। इस तरह से कोई जादूगरी नहीं होता, कोई मैजिक नहीं होता है, मैजिक के पीछे साइंस होता है। तो दोस्तों जो है यहाँ हम इसको जलाएंगे नहीं, क्योंकि ख़तरा थोड़ा हो सकता है, तो इसको हम अलग ढंग से, जो एक कार्बाइड है इसको हम अलग ढंग से जलाएंगे, और जला करके आपको दिखाएंगे, कार्बाइड जलता भी है। तो इस गैस को यदि आप आग लगा देंगे तो जल भी जाएगा, ऐसे नहीं जलेगा। तो कैसे जलेगा, तो इस कैल्शियम कार्बाइड को जला के भी दिखाते हैं। इसका उपयोग जो है बच्चे जो है पटाखा फोड़ने में भी करते हैं, तो और इसको, ये ज्वलनशील गैस है, एसीटिलीन गैस निकलती है, तो इसको हम जला के भी दिखाते हैं। यहाँ लकड़ी है, जल जाएगा, तो इसलिए इसको हम हटा करके नीचे दिखाते हैं, दूसरी जगह पे दिखाते हैं। तो दोस्तों जो है ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है, देखिए ये कैल्शियम कार्बाइड है, इसको हम जला के दिखाते हैं। देखिए यहाँ है, इसे गिरा रख दे रहे हैं, और इसके बाद हम इसे पानी डाल दे रहे हैं, देख रहे हैं ये पानी डाल दे रहे हैं, उसके बाद ये माचिस मारेंगे। देखो ये जो हम लगता था वो निकल रहा है, ये जलेगा, आराम से जलेगा, ये जलता है, बहुत तेज जलता है, देख सकते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बाइड जो है जलता है, और ये जब गैस बनता रहता तो ये भी जलता, ठीक है, तो देख सकते हैं। तो एक कैल्शियम कार्बाइड एक गैस है जो कि बिल्डिंग में भी काम आता है, देखिए ये ज्वलनशील गैस है, और ऐसे यहाँ भी देखिए, यहाँ ज़मीन पर भी ये क्या कर रहा है, देख सकते हैं ये जल रहा है, और इस तरह से जा देंगे तो देखिए पूरा गिलास पकड़ लिया। तो इस तरह से ये ज्वलनशील गैस है, डर भी लगता है, तो क्योंकि विस्फोटक गैस है, जल सकता, हाथ पैर जल सकता है, खतरा रहता है। तो आपने देखा ये कोई जादूगरी नहीं है, कोई जो है शक्ति नहीं है, ये साइंस है।